बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोग दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई पार्टी का हिस्सा हैं। देश नहीं दुनिया, पूरी दुनिया में आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं हुई जिसने इतनी तेजी से तरक्की करी हो, इतनी तेजी से तरक्की करी हो। मुझे लगता है हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से पूछना चाहिए, भाई जरा पता करके बताओ कोई, नहीं तो हमारा नाम लिख दो उसके अंदर। कल भी मैं कह रहा था, मैं अपने काउंसलर से कल रात को मिला था कि एक एमएलए बनने के लिए, एक काउंसलर बनने के लिए लोगों की जिंदगी बीत जाती है, चप्पलें घिस जाती है, जूते घिस जाते हैं, है कि नहीं है? एक एमएलए बनने के लिए, एक काउंसलर बनने के लिए। और ये एक पार्टी, छोटी सी पार्टी 10 साल पहले बनी थी, पहले दिल्ली में सरकार बन गई भारी बहुमत से, कांग्रेस की 0, बीजेपी की 3, आम आदमी पार्टी की 67 सीट, छोटी सी पार्टी, 1 साल पुरानी पार्टी। फिर पंजाब में सरकार बन गई भारी बहुमत से, 177 में से 92 सीट। फिर गुजरात में इनके गढ़ के अंदर जाके 14% वोट लेके आए, 5 एमएलए बना के लेके आए हैं। और मेरे को पूरा विश्वास है गुजरात में अगली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, देख लेना। फिर गोवा गए, गोवा में 2 एमएलए बन गए हमारे दोस्तों, जितनी। और अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आपकी पार्टी को मिला है, पूरे देश में 3rd नंबर पे आ गए। कहने को तो 1350 पार्टियां हैं अपने देश में, रजिस्टर्ड पार्टियां 1350। हम 1350 पार्टियों को पीछे छोड़ के आज बस बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 3rd नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। और जितनी तेजी से बढ़ रही है, मेरा दिल कहता है कि एक दिन कांग्रेस और बीजेपी को भी पीछे छोड़ के देश के ऊपर आम आदमी पार्टी का राज होगा। तो बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, तो जाहिर तौर पे आपके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जाएंगे। इन लोगों को यह लगने लग गया, मोदी जी को, बीजेपी को, अब ये साफ हो गया। 2014 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2015 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2020 में हार गए विधानसभा चुनाव, फिर अभी एमसीडी का चुनाव हार गए। तो अब इनको ये तो पक्का हो गया भाई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जीत नहीं सकते, ये पक्का है। दिल्ली में ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कर ले, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से ये जीत नहीं सकते।